गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को एक निजी मैरिज हाउस में प्रेस वार्ता कर बताया गया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मैरिज हाउसों में मांगलिक कार्यों के दौरान बजाए जाने वाले डीजे और आर्केस्ट्रा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष एस ए रहमान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी जनता से अपील है कि मांगलिक कार्यक्रम में डीजे या आर्केस्ट्रा बजाने के लिए दबाव न बनाएं और हमारा सहयोग करें। इस मौके पर गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष एस ए रहमान ने कहा, मेरा नाम एस ए रहमान, अध्यक्ष मैरिज हाउस एसोसिएशन गोरखपुर। माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने ये एक आदेश किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मैरिज हाउस में डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर किया था जिसमें रात के 10 बजे तक 50 डिसिबल वॉल्यूम पर डीजे अलाउ था, लेकिन उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो रहा था और हाई कोर्ट ने ये पाया कि 50 डिसिबल की जगह 1000 डिसिबल पर लोग डीजे बजा रहे थे। इस कारण उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है और ये कहा है कि जिस मैरिज हाउस में भी ये बजते हुए पाया गया, पहली बार 1 लाख रुपया, दूसरी बार 5 लाख रुपया और तीसरी बार 10 लाख रुपया जुर्माना लगाया जाएगा और अगर उसके बाद भी बजता है तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। हम लोग इसका स्वागत करते हैं और हम आपके माध्यम से जनता से और प्रशासन से ये अपील करते हैं कि माननीय हाईकोर्ट के इस आर्डर को एग्जीक्यूट कराया जाए और जनता डीजे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हम लोग मैरिज हाउस में मैरिज डीजे को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है और जो लोग डीजे बजाना चाहते हैं वो अपना पैसा एडवांस वापस ले जाएं, लेकिन हम अपने मैरिज हाउस में डीजे को बजने नहीं देंगे। अपील है कि वो हमारा इस मामले में सहयोग करें। जनता से हमारी ये अपील है, आप लोगों से हमारी ये अपील है कि इस मुहिम में हमारा सहयोग करें।